हेलो स्टूडेंट मैं हूँ रीना आप देख रहे रीना अकेडमी चैनल आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा सात हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग दो का पाठ नंबर दस जिसका शीर्षक है अपूर्व अनुभव तो अपूर्व अनुभव शीर्षक के अंतर्गत इसके संपूर्ण प्रश्न अभ्यास तो इस दिन आप सभी अंत तक बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण प्रश्न अभ्यास करवाए जाएंगे तो यहाँ पे पाठ से शीर्षक के अंतर्गत पहला प्रश्न है यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तो, तो अथक प्रयास क्यों किया लिखिए इसका उत्तर है यासु की चांद को पोलियो था इसलिए वह किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था यासुकी चांद के हाथ पर इतने कमजोर थे कि वह पहले सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाता था उसे पेड़ पर चढ़ाने के लिए तो, तो चांद को परिश्रम करना पड़ा अब प्रश्न नंबर दो दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तो तो चांद और यासुकी चांद को अपूर्व अनुभव मिला इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे दोनों में क्या अंतर रहे लिखे इसका उत्तर होगा यासुकी चांद तथा तो चांद तो तो दोनों को अंततः पेड़ पर चढ़ने में सफलता मिली परंतु दोनों की सफलता का अनुभव अलग अलग था यासुकी चांद का लक्ष्य पेड़ पर चढ़ना था परंतु तो चांद तो तो का उद्देश्य यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाना था यासुकी चांद को खुशी मिली तो तो चांद तो को संतुष्टि अब प्रश्न है प्रश्न नंबर तीन पाठ में खोज कर देखी कब सूरज का ताप यासुकी चांद और तोतो चांद पर पड़ रहा था वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है इसका उत्तर होगा जब यासुकी चांद और तोतो चांद एक तिपाई सीढ़ी के द्वारा पिलकी द्विशाखा पर तक पहुंच रहे थे तब सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था उन्हें काफी पसीना आ रहा था जब तोतो चांद अपनी पूरी ताकत से यासुकी चांद को पिलकी ओर खींच रही थी तब एक बादल का बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़क करकर, कड़कड़ाती धूप से बचा रहा था यह मौसम का बदलता रूप था अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर चार यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा इसका उत्तर है यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि यासुकी चांद के लिए स्वयं अपने बल पर पेड़ पर चढ़ना संभव नहीं था और तो, तो चांद इस तरह झूठ बोलकर इतनी मेहनत से हमेशा उसकी मदद नहीं कर सकती अब नेक्स्ट प्रश्न है पाठ से आगे शीर्षक के अंतर्गत पहला प्रश्न तो दो चांद ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था यासुकी चांद के गिर जाने की संभावना थी फिर भी उसके मन में यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती है आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते है इसका उत्तर होगा हमें ऐसे कार्य के लिए परिश्रम तथा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए जिससे किसी को खुशी मिली किसी का भला हो हमें किसी जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए अबनेक्स्ट प्रश्न है अनुमान और कल्पना शीर्षक के अंतर्गत पहला प्रश्न अपनी माँ से झूठ बोलते समय तो, तो चांद की नजरे नीचे क्यों थी इसका उत्तर होगा उसका झूठ पकड़ा न जाए इसीलिए अपनी माँ से झूठ बोलते समय तो, तो चांद की नजरे नीचे थी अबनेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर दो यासुकी चांद जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्ति के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए इसका उत्तर होगा निजी और सरकारी अस्पतालों बस अड्डों रेलवे स्थानकों विमानतलों शॉपिंग मॉलों व मेट्रो रेल जैसे स्थानों में शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने के लिए विशेष रैंप और लिफ्ट की सुविधाएं दी जाती हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है भाषा के बात शीर्षक के अंतर्गत पहला प्रश्न है द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से यानी मिलाने से बना है का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाल द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहाँ से दो मोटी मोटी डालियां एक साथ निकलती है द्वि के भांति आप त्रि से बनने वाला शब्द त्रिकोण जानते हैं का अर्थ है तीन इस प्रकार चार पाँच छ सात आठ नौ और दस संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्दों की ध्वनिया अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ कुछ मिलती जुलती है जैसे हिंदी आठ संस्कृत अष्ट अंग्रेजी एट इसका उत्तर होगा अब यहाँ पे इस कॉलम में हिंदी की गिनती है यहाँ पे संस्कृत की गिनती है यहाँ पे अंग्रेजी की गिनती यानी नंबर है तो हिंदी में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस अब संस्कृत में एकम द्वे द्रीडी चतवारी पंच खट सप्त अष्ट नौ दस अब अंग्रेजी में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब ये है हेस्टेन हिंदी में दस तक गिनती संस्कृत में दस तक गिनती अंग्रेजी में एक से लेके दस तक गिनती हम मिला के देख लेते हैं हिंदी में एक संस्कृत में एकम अंग्रेजी में वन हिंदी में दो संस्कृत में द्वे अंग्रेजी में टू हिंदी में तीन संस्कृत में त्रिड़ी और अंग्रेजी में थ्री हिंदी में चार संस्कृत में चतारी और अंग्रेजी में फोर हिंदी में पांच संस्कृत में पंच और अंग्रेजी में फाइव हिंदी में छह संस्कृत में खट और अंग्रेजी में सिक्स हिंदी में सात अंग्रेजी में संस्कृत में सप्त और अंग्रेजी में सेवन हिंदी में आठ संस्कृत में अष्ट और अंग्रेजी में एट हिंदी में नौ संस्कृत में नव और अंग्रेजी में नाइन हिंदी में दस संस्कृत में भी दस और अंग्रेजी में टेन तो इस तरह से रिटेन आप इसको तुलना कर सकते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न है पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी पीछे से धकियाने लगी जैसे वाक्य आए हैं ठिठिया कर हंसने का मतलब आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं हंसना हंसना तथा ठठा मारकर बोलचाल में प्रयोग होता है इनमें हंसने की ध्वनि के एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया है साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है आना प्रत्यय से बनने वाले चार सार्थक शब्द लिखे इसका उत्तर होगा शर्माना घबराना रोजाना दिखाना तो स्टूडेंट हमारा लेसन नंबर टेन अपूर्व अनुभव पार्ट का संपूर्ण प्रश्न अभ्यास कंप्लीट हुआ तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद